वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स, आई एम श्योर इतना धमाकेदार सा सॉन्ग था, हम सब नाच गा के और बड़ा मजा आया। कमीज तेरी काली और कमीज तेरी काली संगम, मेरी कमीज में इतना अच्छा गाना पहले बिल्कुल, और संगम की शोर शराबा से पहले यहाँ पे हमने शोर शराबा। और अब लग रहा है कि संगम की जो शोर शराबा है वो माशाल्लाह एनर्जी से भरपूर हो गई, और जिस तरह मैंने इसके देखे हैं ना, इसके स्टेप जो लिए हैं, क्या बात, जो ठुमके लगे हैं इधर, वो फिल्म में जरूर आइटम सॉन्ग में इसकी जो इसके सॉन्ग है, जो सॉन्ग है उसके अपना संगम के, और उसमें भरपूर एनर्जी। वैसे मैंने नोट किया कि ठुमके तो है ना, भी लगा रही थी, आप लगवा रहे थे वैसे? मैं लगवा रहा था, वो थोड़ा सा ना वो इसके सेंसर हो के आ इनके ठुमके थोड़े थोड़े थके हुए थे। लेकिन कमाल है बात की ये है कि हमारा सब्जेक्ट था आज का बंद दरवाजा, राही ने इतने अच्छे ये गाने गाए हैं, सुनाए हैं, हमारे सब के सब दरवाजे खुल गए, दिल के दरवाजे स्पेशली हमारे खुल गए, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। यही होता है खुशी मिले, खुशियां फैलाओ, खुशी वो चाहे लेकिन अच्छी बातों से होना चाहिए, खुशी मिले बस, आप किसी को खुश रखो, खुश को खुश देखो, आप में तो या माशाल्लाह ये आपके पास तो ये लाइसेंस है खुश करने का लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो पहले भी मैंने नर्सरी की बात की थी, मैं कहते जिसका काम है उसी को साजे, जो बंदा एक नहीं काम कर सकता वो टांगा चलाता, उसे कहें जी ये टेबल बना दे तो उसके लिए मुश्किल होगा। ऐसे ही खान साहब थे जी, उन्होंने नर्सरी, अच्छा खान थे या खां थे? खान जिसमें बगैर नुक्ते के होते हैं, खान खान मीन सारे का मपादा नहीं, वो थे, उन्होंने नर्सरी एक, उन्होंने कहा जी ये मैं काम करता हूँ। अब उन्हें पता नहीं था कि से एक कस्टमर आई मैम, उन्होंने पूछा भाई ये कौन सी बेल है, उन्हें कहा जी ये गुलाब की बेल है, तो ये जो है, कहते जी ये चमेली की बेल है, तो ये जो है ना ये कौन सी बेल है, कहता जी ये बेल जो है ये सेरे गाने वाले की बेल है। आपने हिना के बोलने का स्टाइल देखा, शुक्र है आपका भी दरवाजा खुला है, सभी दरवाजे खुल गए हैं। हिना कितना अच्छा बोलती है, ऐसी डाइवो एक्सप्रेस में लड़कियां बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन जेलम आ गया, जिन हजरात ने चर्च पीनी वो पिछली सीटों पे आ गया। मुझे बड़ा सोच समझ के बोले, और आती ना आपने वो सिक्सर मारने की कोशिश, हां जरूरी है ना, दरवाजा आ गया, ये चुप था, ये कह रहा था मैं कैसे चुपूं, क्यों नहीं बोल रहा मैं, और आती पहले अटैक है ना पे, हां हां जरूरी है, सुकून है, हां नहीं बॉस, अच्छा फील करें लाइट थोड़ा, और ओह माय गॉड, देखा कितनी मुतासर है मुसर राय साहब। और हाँ आपको एक मजे की बात बताऊं, राय साहब सामने बैठे हैं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, किया पहले भी किया, क्यों नए नए अगेन अगेन अगेन, वो इस बात का कि सर ने मुझे एक बड़ा प्यारा सा तोहफा दिया है, दिया अभी दिया है, रॉयल कैफे में दिया, और ये जो मैंने शर्ट पहना है ये मेरे सर का, वेरी गुड जी, बात ये होती है कि तोहफे की वर्थ होती है देने वाले का प्यार, और अगर इस प्यार से उन्होंने दिया है तो मतलब उसका कोई मोल ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो उनका प्यार है। मेरे से मोहब्बत होती मुझे पैंट उतार के दे देते, मैं दे भी देता लेकिन आपको वो साइज नहीं आता, मेरा वो है 22 और आपका पता नहीं आपने इतना खूबसूरत तोहफा दिया गानों की सूरत में, मजा आपको तो देख के लग रहा है जैसे वो आज एक सियासतदान एक पंडाल में नहीं आके बैठा होता, वोट मांगने बस वो ऐसे ही आज ड्रेस पहना था, मैं तो लगता है कोई बच्चे की मंगनी करने आया हूँ, उसकी हम बात ड्यूटी आपकी है, ये अच्छा मजर भाई इन्होंने ड्यूटी मुझे दे दी है, क्योंकि मैं सुहेल का बड़ा भाई हूँ, बड़ा भरा, तो इनके हाथ पीले करने के लिए नीले हो इन्होंने थोड़े पीले हो, अच्छा संगम आपने इतना काम किया, फिल्म में भी काम किया, ड्रामे में भी काम किया और स्टेज पे भी काम किया, तो सबसे ज्यादा एंजॉय आपने क्या किया, कौन से मतलब ड्रामों में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, फिल्मों में या स्टेज पे? हर चीज में हर एक अपना मजा होता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे वो स्टेज हो, हर चीज का एक अपना मजा होता है, एक अपने लोग होते हैं, और वो जो एक क्रिएट माहौल हुआ होता है ना हर चीज का, वो चीजों का मजा और लुत्फ जो है ना वो बहुत कम लोगों को लेना आता है, ठीक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं
मैं जरा भी नहीं शर्माती और मैं जरा भी कंफ्यूज नहीं होती हूँ लोगों के सामने. बाज लड़कियां हैं वो अपने सीनियर के सामने ऐसे बैठी रहती हैं कि मैं तो मूवी कर रही हूँ ना, यू नो ऐसे. लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने सीनियर के टांग भी दबाती हूँ. आपको दर्द तो नहीं होगा, ऐसे ही कामयाबी. और उनसे जो बातें उनकी जो सुनने को मिलती है ना, जैसे किसी लड़की, एक हमारी मूवी में एक लड़की थी वो गुजर रही ना, तो हमारी बहार जी, हमारी लेजेंड, और बड़ी खूबसूरत औरत है वो ना, मुझे मैं उनकी ना टांग दबा रही हूँ. मैंने कहा बहार माँ जी दर्द तो नहीं हो रही, तो वो ना बड़े एटीट्यूड से साथ में गुजर गई ना, कहती है संगम एक गुड़ी सी के मुंडा. और ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों का लुत्फ लेना मजा आता है, किसी को आता है और कोई कोई ले सकता है. बिल्कुल. वरना अच्छा संगम तुम्हारा बोलने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा सॉफ्ट सा, हर बात आराम से ठहराव के साथ. एग्जैक्टली. तो मतलब पूरा फैमिली का पूरा अंदर से ना सेंसर करके निकाल, सोच समझ के बोलना चाहिए. इनके सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है. गले में फिल्टर, गले में फिल्टर लगा रहा है वो, सारी बातें पूछ के इंडस्ट्री में आने के बाद ये शुरू से इतनी सॉफ्ट स्पोकन हो, इतना ही समझ समझ के सोच सोच के बोलती हो. नहीं पहले तो काफी पागल सी थी. पागल सी थी. अच्छा. बड़ी बदतमीज भी थी कभी किसी दौर में, अभी तो नहीं हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ी बड़ों ने समझाया, जैसे अपने सीनियर्स को देखा, उनका बात करने का स्टाइल, उनका बैठने का स्टाइल, वो क्या करते हैं, वो कैसे बात करेंगे, खाते कैसे हैं, स्पेशल खाना खाना, ठीक है. ये चीजें अपने सीनियर से आप सीख के आगे आते हैं और आप भी कभी सीनियर बनते हैं. Exactly, और आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपको कल को कोई कहे कि हमारे सीनियर हैं ये. बिल्कुल. दो चीजें ऐसी होती हैं जिससे इंसान की पहचान हो जाती है, एक तो सफर है और दूसरा खाना. खाना बिल्कुल ऐसी है. और मैं हमेशा तो आपको पता है हमने दोनों देखे हुए और संगम हम ये सुनेंगे. चले सफर का तो समझ आता है कि आप लोग माशाल्लाह जाते रहे. खाने वाली बात मुझे बताएं, बड़ा हंसे हैं कहका मार के दोनों इस बात पे. बस खाने वाले कईयों के हाथ ही वो ना ऐसे हो जाते हैं कि बस अभी ये बड़ी सी बड़ा सा लुकमा लेंगे और वो एक ही सांस वो किसी से सलाम भी करते तो ऐसे करता अस्सलाम वालेकुम. बारे बहन जैसी लड़की है माशाल्लाह, अच्छा सूट पहन के नाली में गिरती जरूर है. और पूछते हैं भाई क्यों गिरी हो, है कोई बात नहीं हर साल में ऐसे ही गिरती हूँ. जी हीना जैसे सावन का महीना. हाँ हाँ सावन का महीना. अच्छा मज़हर भाई कोई इंटरेस्टिंग चीज जो आप दोनों ने मतलब राही स्क्वायर ने माशाल्लाह अशरफ राही साहब ने और आपने सफर किया ट्रेवल किया, तो कोई ऐसी चीज जो अभी भी आपको याद हो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया अगर आप हमारे साथ कोई शेयर करना चाहें. नहीं जी, तो एक तो खाने का वाक्य आज तक नहीं भूलता, वो हम ना भूलेगा. वो हमारे साथ आबद कश्मीरी साहब थे, उनके लिए क्लैप करें. बहुत बहुत बड़ा नाम है जी हमारे लेजेंड. चलो कश्मीरी या कश्मीरी को या खाना ना हो जाए दो तीन बकरे इकट्ठे ना खाते, लेकिन इनकी जो वो आते हुए मैं इनने स्टेज पे जो बात की जब हमारा शो शुरू हुआ उसमें मैं था, अशरफवाड़ी साहब थे, अब्दुल कश्मीरी साहब थे, मैं था, एक लड़की रागनी गाती है वो रागनी मेरा अर्शद थी. अच्छा, अच्छा, अच्छा. तो काफ़ी हमारे लोगों का ग्रुप था, बैंड था जब हम गए. तो आते जो इन्होंने सारे लोग बिल्कुल वो तो मेरा ख्याल है साथ जोड़ी थी इनकी जो आबिद साहब थे कश्मीरी साहब, उनसे तो कोई बात नहीं हुई. मेरा हाल खाना मेरा हाल कन्नो कन हो गया थोड़ा ज्यादा भी बंदा. और जो उन्होंने आते ही जो उन्होंने बात की है, क्योंकि वो लोग बहुत बोर होते हैं काम कर 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 करके कर करके, जो वो हमें देखने आते हैं थके होते हैं. कोई इंडियन होता है, कोई पाकिस्तानी होता है, कोई कामला आज कामला, वो चाहते वो इंटरटेन अपने आप को करने आते हैं. उनको चाहिए होती है कि वो हम आके एंजॉय करें. और जो उन्होंने आते ही उन्होंने ये बात जो की है ना, बिल्कुल सुस्त सारा क्राउड बैठा हुआ था. कहना यार ऐसा लग गया कि मैं जिमें इतने पंजाबी कि इतने आया तो ऐसा ना लग गया जिम्मे जे जहाज से आए हैं उस जहाज को किसी ने बताऊ सुट दे. सारे काले थे ना सारे काले. और वो बात मैं ये नहीं इनके सामने बैठा हूँ, ये बात मैं तकरीबन मेरे हाल में आपको कुछ 100 दफा कर चुका हूँ बहुत बड़े बड़े पंडालों में. अशर भाई साहब फकर की बात और अच्छा राही साहब आपका वो मुझे बड़ा पसंद है जो आप कहते हैं कि कुछ लोगों का दाद देने का तरीका बड़ा अजीब होता है कि वो दाद दिखाने को दाद दे रहे होते हैं लेकिन इनफेक्ट उनके दिल में क्या चल रहा होता है, कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं उनके. वो जो दाद है ना वो किसी को राइज नहीं होने देती, आगे नहीं बढ़ने देती.
कि अच्छा बोला फनकार यार अच्छा है या बुरा है, उसे आप दाद देंगे तो तभी अच्छा लगेगा, अच्छा करेगा। तो अगर वो गा रहा है तो उन्हें अब नापसंद है, क्यों उसने उन्होंने हर चीज पे नुक्स निकालना, नुक्स निकालना है जी। बड़े अगर कोई हाल वे इन्होंने बेच अच्छा कोई आ कर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दाद ही देने आ रहे, क्या बात है ओए होए मैं मार देंगे तेरे क्या एक्सप्रेशन तौबा है क्या कहने हैं वो सुभान अल्लाह आहो सुभान अल्लाह क्या बात देने में भी गुरेज कर जाते हैं, कंजूसी नहीं कुछ ऐसे कर लो क्या तुम्हारी तालीम में कोई फर्क पड़ जाता है भाई, उनके हाथ आपने क्योंकि वो ना जो ऐसे लोग होते ना ऐसे हार खास कर मर्द अजरात औरतें फिर भी इंजॉय करती, वह जाकर सब तो पहला उन्हें बिस्तरे बिठाने होते जिन्हें अपने आप में बड़ा डिसेंट बड़ा वो करके बैठे कुछ होते वो अपने उनकी बीवियां उनसे यही काम करवाती होंगी ना बिस्तरे लगवाने वाले और इस तरह से ये वो करना भी जान गए ना अगर बेगा बैठी है तो नाल कौन ही मारेगी जोर की तारीफ एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा संगम जैसे भी आप कह रहे थे कि आप एज ए परफॉर्मर आए और उसके बाद फिर आप एक्टिंग से इंस्पायर हुए और आपने चाहा कि माशाल्लाह आपका ये टैलेंट सबके सामने आना चाहिए, तो एक्टिंग के हवाले से किसको ज्यादा पसंद करते हो, किससे इंस्पायर हो और उनसे मतलब सीखने की भी कोशिश करते हो? अगर पाकिस्तान में से पूछते हैं तो मेरी फेवरेट शुरू से ही सायमा बेगम रही हैं। वाह वाह बिल्कुल। और उन जैसी आर्टिस्ट उनकी मूवीज जो बनी है उनको एज ए एक्ट्रेस उन्होंने काम नहीं करने दिया, उनके जो गाने उनके जो स्टाइल, लेकिन उन्होंने जिसमें एज ए आर्टिस्ट काम किया है ऐसा करेक्टर किया है बिल्कुल, तो उन्होंने बताया है कि आई एम द आर्टिस्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त और बेस्ट आर्टिस्ट है वो मेरी नजर में। और बकाया हमारे जितने सीनियर थे शमीम मारा जेबा जी सबीर खान जी हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, संगीता बेगम है बिल्कुल ठीक है, आसिया बेगम ये सारे मुमताज बेगम ये तो फिर अच्छा काम भी था सर, तब काम लेना भी आता था डायरेक्टरों को लेना भी आता था एग्जैक्टली। अब सर वो काम नहीं लेते उस तरह से ठीक है, अब बस काम ही लेते हैं, अब काम लेते हैं बल्कि हमारे जिस तरह से राही साहब जैसे जो लेजेंड्स हैं लोग बताते हैं कि पहले तो इवन स्क्रिप्ट को लेकर इतनी प्रैक्टिस होती थी, रिहर्सल्स होती थी और अभी टाइम के टाइम आप सेट पे आते हो आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है और कहते हैं आधा घंटा आपके पास है आप इसको याद करें और आ जाए आपके कैमरे के सामने, तो वो आउटपुट फिर कहाँ से आएगा। अच्छा सायमा जी के साथ किसी मूवी में काम करने का भी मौका मिला? मेरी सारा ख्वाहिश बहुत रही है अभी तक कि मैं सायमा जी के साथ काम करूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला। अल्लाह चाहेगा आगे काम मिलेगा तो शायद मैं उनके साथ काम कर सकूं इंशाल्लाह। मुझे वैसे भी बड़े सारे जब मैं बिग स्क्रीन पे आती हूँ ना बड़े कैमरे के सामने तो मेरा जो फीचर्स है ना मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो मेरा सब लोग कहते हैं कि तुम सायमा बेगम फेस खासकर फेस का जो तुम्हारा शेप है उनके जैसा तुम्हारा फेस है और बाज़ लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम फ्यूचर की सायमा इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर तो आप बहुत अच्छी हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, हर काम जो है गाना फिल्म भी आपने की, आपको आता होगा तो तभी उन्होंने कास्ट किया बिल्कुल ड्रेस बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है आज। थैंक यू सर। अच्छा बाजू क्या ये डॉक्टर के लिए नंगे या मच्छरों के लिए? इजी से टीका लगा दो हमें कपड़ा उठाना पड़ता है ना जी, ये यहाँ पे लगाएं जी डॉक्टर जी थे मर्जी ला ला ऐसे ही ला ला। अच्छा मुझे बहुत डर लगता है बस डॉक्टर टीका ही लगाना है दिल नहीं लगाना। अरे अल्लाह दिल का दरवाजा बंद ही रखना है उसे नहीं खोलना उसे नहीं खोलना। मजर भाई आपकी इंस्पिरेशन के हवाले से अगर बात करूँ सिंगिंग में तो जब मतलब आपने स्टेप इन किया माशाल्लाह तो उस वक्त किससे इंस्पायर थे किससे मुतासिर थे? सच्ची और पक्की बात है ना, देखिए बात हुई ना वो संगम वाली बात, ये जो चीजें होती है ना वो सीखना बाद में होता है, असल में हर चीज गॉड गिफ्टेड होती है बिल्कुल। जो कहते हैं ना मैं सीखा तो वैसे या नहीं, उसमें वो चीज अल्लाह ताला उसको होती है उसमें पहले उस चीज को निखारना, जब आप किसी के शागिर्द होते हैं किसको उस्ताद मानते हैं और अगर पढ़ते हैं सीखते हैं कोई भी चीज तो वो निखारने के लिए बिल्कुल बिल्कुल।
मैं जिनको देख के आया और मेरी ख्वाहिश हुई, पहले बिल्कुल नहीं शौक था सुफियाना कलाम या स्कूल में ना थी, अभी पढ़ता हूँ इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। तो उस वक्त बहुत अरूज था जब मुझे शौक हुआ लाला ताला ऐसा ही बहुत बहुत बिल्कुल और आप भी हैं बिल्कुल वो एक ऐसा आर्टिस्ट अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया कि जिसको पूरी दुनिया ने सुना है बिल्कुल। और मेरे ख्याल उर्दू का पंजाबी का जहाँ कोई एक छोटा सा परिंदा भी है ना जिस मुल्क में जिस कंट्री में जिस सिटी में जिस शहर में जिस विलेज में गांव में वो बंदा अल्लाह ताला उसको वहां ले गया है। अवामी सिंगर होता है ना जैसे जिसको हर बंदा वो सुनता वो है। बंदा हुआ है कि जो समंदर के अंदर छोटे छोटे जजीरे हैं ना उनमें जाके जजीरों में उसने शो किए और वो अरूज वो शोहरत मिली कि मैं आंखों देखा तो नहीं हर जो बात सुनने वाली है कहते हैं कि इतना अरूज होता था कि किसी हाथ मिलाने का टाइम होता था ऐसे हाँ सब अच्छा। इसाइल भी ऐसे लाइनें बनी हो तो वो चाहे लड़कियां हैं औरतें हैं लड़के हैं कोई भी है वो चाहे वो सारी हर क्लास में उसको सुना। एक और भी चीज है उसको टांगे वाले में सुनना है बिल्कुल बिल्कुल हर क्लास ने उसको सुना और ऐसे हाथ लगाते ऐसे लोग हाथ लगा रहे हैं और फंस जा रहे हैं उनका एक मेरा हाथ लग गया ये अरूज। और उसके बाद अगर अरूज मिला तो वो नुसरत अली खान और इन दोनों के लिए मैं चाहूंगा तो मैं उनको देख के मुझे हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह सही जी राही साहब। वो कहते हैं सर जी के बंदे की जिंदगी में उसका नाम का बड़े गहरा असर होता है अताउल्लाह अताउल्लाह अल्लाह की अता बिल्कुल। इस्लामाबाद जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो गई कोई आधा घंटा एक घंटा आप गाड़ी में बैठे हुए थे लाला ताज तो किसी ड्राइवर की नजर पड़ी वही लाला ताज ओए बिस्मिल्लाह वो उतरे वो सारे बैठे अस्सलाम वालेकुम जी उतर लाला ता जहाँ कोई ट्रैफिक रुकी हुई थी अब वो सबके सब बड़ी दूर दूर से आधे आधे किलोमीटर से दूर हुआ लाला जी कुछ सुनाए थे ट्रैफिक तो ब्लॉक हुई है लाला जी ने गाड़ी में से बाजा निकाला है तबले वाले को वहाँ पे बैठाया आप बोनट पे बाजा रखा है बिलीव करेंगे कि कितने पैसे हुए होंगे उन ड्राइवरों के सारे 5-6 लाख का फंक्शन वहां पे हो गया ये लाला था ट्रैफिक बुला के तो वो गा रहे हैं तो गाड़ियों वाले वहां पे ट्रकों पे नाच रहे हैं घूम रहे हाँ जी वो ट्रैफिक तो ब्लॉक होनी होनी थी उसके बाद गाड़ी तक पहुंचने के लिए ड्राइवर को पहुंचने के लिए फिर घंटा ट्रैफिक ये ब्लॉक हुई अभी ये सुन के गाना वापस आ रहे हैं मतलब लाला था वो मैं कहता हूँ एक और था एक और बड़ा उनका एजाज जो मिला है कि आप पाकिस्तान में ना किसी सदर की लगी है तस्वीर ना किसी और एक्टर की लगी है ना सिंगर की सवाए लाला ताला की आज भी रोड पे जाएं तो बीसों दफा आपको तस्वीर मिलेगी वो आला लिया ताला बिल्कुल और नीचे इतने इतने आला शेर लिखे होते हैं Exactly, बिल्कुल। अच्छा मेरा ख्याल है कि दोबारा से हम आए एक सॉन्ग की जानिब और अभी हम मजहर भाई से बल्कि खुद ही पूछेंगे इनकी चॉइस के ये कौन सा सॉन्ग अभी हमें सुनाने जा रहे हैं। आजकल वो कहते हैं कि सराइकी का एक ट्रेंड चला हुआ था तो मुझे भी लगा कि यार इसमें कहते हैं वक्त के साथ चलना ही चाहिए जो ट्रेंड है और खासकर जैसे मैंने लाला ताला का नाम लिया मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ और जो जो भी अच्छे लेजेंड आए जो अच्छा गाते हैं उनको मानता हूँ और सीखते हैं उनसे और गॉड गिफ्टेड जो है वो तो है ही लेकिन उनका मानता हूँ लेकिन उसी से मैं तो कहता हूँ भंगड़ा और मैंने स्टाइल मैं अगर उनको देख के पिक करके आया हूँ लेकिन मैंने स्टाइल अपना लेकर पहचान मैंने अल्लाह ताला ने मुझे अपनी दी और मेरे अपने गाने हिट हुए और एक नहीं हुआ कितने गाने माशाल्लाह मेरे हिट हुए जो लोगों ने कॉपी किए ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर अल्लाह ताला ने मुझ पर नबी पाक वो आपकी मेहनत भी है आपकी मेहनत भी है डेफिनेटली आपकी मेहनत होती है तो ये जो आप सराइकी सुनाएंगे तो सराइकी तो क्या बात है लेकिन टच है मैं वो सराइकी नहीं बोल सकता लेकिन एक वो टच दी है क्या गाली करें दे पे ओ थाने गाने की के बाल लगी खड़ी है आई कि एक वो ख्वाहिश है वो हिना की भी है आपकी भी है राही साहब की है छोटे राही साहब की भी है इसकी भी नचीस बंदे की है संगम यानी हर किसी की एक ख्वाहिश है अच्छा घर हो बिल्कुल बिल्कुल एक बैलेंस हो यानी कि आराम से जो जिंदगी भी सके वो इस तरह का एक इजहार ख्याल है वो आप लोग जी जरूर जरूर जरूर
ना साडा बंगला ते ना साडी गाड़ी दिल्ली दे चंद ढोला ला लै तू यारी ना साडा बंगला ते ना साडी गाड़ी दिल्ली दे चंद ढोला ला लै तू यारी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी फिलहाल के ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी देवेगा जरूर अल्लाह गड्डिया ते बंगले तेरे लिए बिछा के रखे पलंग मरंगले देवेगा जरूर अल्लाह गड्डिया ते बंगले तेरे लिए बिछा के रखे पलंग मरंगले ओ ढोला जिंदगी मैं सारी तेरी करा ताबेदारी ढोला जिंदगी मैं सारी तेरी करा ताबेदारी फिलहाल के ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी अज दे जमाने विच प्यार नहीं सचिया प्यार वाला यार नहीं लभदा अज के जमाने विच प्यार नहीं लभदा सचिया प्यार वाला यार नहीं लभदा ओ जिंद तेरे पिछे हारी जावा सद के तेवारी जिंद तेरे पिछे हारी जावा सद के तेवारी फिलहाल के ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी सदा तेनू अपने ही सीने लाई रखांगे फुलां नू हत्थां उत्ते तेनू चाई रखांगे सदा तेनू अपने ही सीने लाई रखांगे एहो अर्ज़ गुजारी ना कर प्यार बजारी एहो अर्ज़ गुजारी ना कर प्यार बजारी फिलहाल ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ना साडा बंगला ते ना साडी गाड़ी दिल्ली दे चंद ढोला ला लै तू यारी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी फिलहाल ते ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ढोला ला लै तू यारी ओ ढोला ला लै तू यारी ढोला ला लै तू यारी वंडरफुल वंडरफुल जबरदस्त 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 ढोला ला लै ढोला ला ले तू यार एक मैसेज भी था ढोला ढोला ला ले तू यार ढोला बैंक बैल पहले बैंक बैल जाए तो सब कुछ खाली हो जाए
वो देख के चले जाना थे, अल्लाह तो उम्मीद नहीं रखनी कि अल्लाह अच्छे दिन लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं शाही हरी हैं तो पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे आएंगे। जी कुछ कह रहे थे आप, ढोला ढोला जी। वो नहीं माने, मैंने कहा चलो फिर। नहीं उसने कहा है जी, आपने फिर बात आपने फिर बात मुकम्मल नहीं की, उसने कहा है जी। अब हो गई, अब हो गई डोला, अब है मेरी बारी। अच्छा संगम, मजीद फ्यूचर में क्या प्लान है? एक तो मतलब माशाल्लाह मूवी अभी आने वाली है 23rd of December को आपकी, उसके अलावा फर्दर मूवीज में ही या भी ड्रामे में भी इरादा है काम का? सारा इस मूवी के बाद मुझे जहां से भी अच्छा रिस्पांस मिला, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मूवी है, चाहे वो स्टेज है, मैं नहीं कहूंगी कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जहां से भी अच्छा रिस्पांस मिला, जहां पे लोगों ने मुझे पसंद किया, जिस रूप में भी, चाहे वो एज ए फिल्म स्टार, चाहे वो एज ए टीवी आर्टिस्ट, चाहे वो एज ए स्टेज आर्टिस्ट, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं है। Exactly. इंसान खुद अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ भी लगा कि यहाँ से मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे अच्छी पेमेंट मिल रही है, मेरा यहाँ पे ज्यादा नाम हो रहा है, तो मैं वही काम करूंगी। बिल्कुल, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एज अ लीड अगर आपको मूवी में कास्ट किया जाए तो आप किसके ऑपोजिट काम करना चाहेंगी? कौन सा ऐसा हीरो आप चाहेंगी कि उसके ऑपोजिट में हीरोइन बनूंगी? कैमरे के ऑपोजिट, मतलब किस मेल हीरो के साथ तुम काम करना चाहोगी? मेल हीरो किसका नाम लूं? सब अच्छे हैं। अब सब अच्छे हैं, एक को कहूं तो बुरी बात है। का नाम सब अच्छे हैं, अपने बाप के बच्चे नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है, सब मेरे सीनियर है। मतलब एक होता है ना, बंदा कहता है कि ये वाले हीरो हो तो मैं उसके ऑपोजिट बड़ी खुशी खुशी। यार वो नहीं बताना चाह रहे मेरे बारे में क्या। मैंने आगे काम करना है, मैंने आगे काम करना है, घर पर नहीं बैठना। नहीं ऐसा होता है इनफेक्ट कि आपकी एक तो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, दूसरा ये होता है कि आपका जो कपल है वो ऑडियंस और व्यूअर्स में ज्यादा पसंद किया जाता है। जिस तरह से अभी हमारी जो जेबा जी थी वो हमेशा आई मोहम्मद अली साहब के साथ, लेकिन जब वो वहीद मुराद मरहूम साहब के साथ आई तो उनके साथ भी उनके कपल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसी तरह से एक हमारा बड़ा अच्छा कपल था नदीम साहब और शबनम बेगम का, जिनकी बड़ी हिट मूवीज गई। सबीहा जी हमेशा संतोष साहब के साथ आती थी, उसमें आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं थी, उसमें ये था कि व्यूअर्स उनको उसी तरह से देखना चाहते थे। तो उसमें अगर मतलब लेटेस्ट में जो आपको मैंने सायरा बताया कि अभी मेरी ये फर्स्ट मूवी, पहले पंजाबी मैंने आपको पता है पंजाबी मूवीज कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे फर्स्ट पेयर नहीं मैंने किया हुआ, ठीक है। तो अभी जब जैसे ही मुझे कोई फर्स्ट पेयर पे कोई मूवी मिलेगी तो फिर तब देखा जाएगा कि किसके साथ किसके साथ हिट होती है। ओ अल्लाह ताला जी, फिल्म जो कुड़ी तेरी आ रही है वही हिट है बस, जो है उसकी बात वो तो आएगी ना, वो तो आगे है, यही हिट हो जाएगी, यही हिट हो जाएगी तो काफी है ना। आपसे सवाल करने लगी वजीर भाई, ये ना बहुत कम सवाल करती है, मैं जब से बैठी हुई हूँ मैंने देखा है कि सायरा पे ही पूरा बंडल है। अरे नहीं नहीं, कम सवाल करती है और जब करती है बड़े क्यूट से तरीके से करती है। लड़कियों को यहाँ टोए पड़ते हैं ओ ए डिंपल ने, तू सिंपल तो इतने पेंदे वेरी सिंपल है तू डिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल और बड़ी क्यूट लगती है ना, जब कम बोलती लेकिन जब स्माइल बड़ी क्यूट है। नहीं जी बोलने लगी जी, सारे चुप हो जाए भी हिना सवाल करे जी हिना, अब इधर की सोनी नोज होता है जड़ी आंखों मगर आप इतना अच्छा गाते हैं और आपकी पर्सनालिटी भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है और खुश अखलाक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बहुत से फैंस ना हो। कोई एक ऐसी फैन लड़की या लड़का जिसने जीना हराम कर दिया, क्रेजी फैन कोई स्टोरी हमें बताए। पीछे ही पड़ गई अभी तक है, अभी तक है, बता चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, आबादी हो चुकी है, वो कहने जी शादी हो गई आबादी हो गई, लेकिन तेरा पीछा नहीं छड़ना पा लगी हड़ता, ठीक है। और मैं डरता भी रहता हूँ अपनी फिर बेगम से, लेकिन मैं कहता हूँ यार मेरा एक काम है, इस तरह के जाहिर चाहने वाले हैं, इनकी वजह से अल्लाह ताला मुझे इज्जत दी, मुझे लोगों तक मेरी पहचान मजर आई, मुझे बनाया अल्लाह के बाद इन लोगों ने, तो मैंने कहा उनकी एक अपनी फीलिंग है और बहुत खासकर लड़की ही ऐसी होती हैं, तो लेकिन उनको हक है, हर कोई किसी को चाह रहा है उसका हक है, हक है बिल्कुल, वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना, आप उसको चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, लेकिन ऐसा बहुत सारे करेक्टर है कि जो मेरे घर तक भी आया तो अच्छा। मुझे ओ किस तरह तो वैसे फिर हमारी करके मिलते करके तो उनको जाके छुड़ाया कि
मेरी भैन जा तू मेरी भैन है अंडरस्टैंड तो करती होंगी ऑब्वियसली आपकी फील ही है कभी माइंड भी करता पहले तो आपको पता है एक औरत हो किस तरह बर्दाश्त किस तरह बर्दाश्त चाहे मेरी मेरी तरफ से है या नहीं है बिल्कुल 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 तो वो तो नहीं करती लेकिन फिर उसको आस्ते-आस्ते समझाना पड़ता है और ऐसा कैसे हो सकता है कि संगम के फैंस ना हो इतनी क्यूट थी चार्मिंग थी हमारी संगम में और फिर इतने प्यार से बोलती है कि मतलब उसके प्यार में इनकी बात में जो भी बात करती है आराम से पिछली समझ आ जाए फिर अगली बात करती फिर अगली बात तो संगम कोई ऐसा क्रेजी फैन जो कहता हो बस कुछ भी नहीं चाहिए सब ले लो से बस संगम चाहिए सिर्फ संगम से संगम कोई एक नहीं है काफी सारे हैं जिसने मुझे समझ नहीं आती मैं किसको देखूं और किसको नहीं देखूं डेफिनेटली आप शोबिज में हैं और लड़कियों के तो वैसे भी फैन काफी होते हैं लड़की कोई भी ऐसा फैन जिसने कुछ क्रेजी किया हो आपके लिए कुछ अजीब सा कुछ अजीबो गरीब कुछ पिछले दिनों में एक बड़ी मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है पिछले दिनों में मैं जाती थी एच ब्लॉक खाना खाने ना वहां पे वो मेरे पीछे लग जाता था डेली अच्छा जैसे ही मैंने वापस आना वो मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे यहां तक हुआ कि मैं अपनी गाड़ी में उत्तर के अपने घर जाने लगी हूँ जैसे ही मैं गेट से इंटर हुई उसने गाड़ी रोक के मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश अच्छा और आप यकीन करो मैं इतना डर गई थी कि शायद मैं कभी बचपन में किसी बिल्ली को भी देख कर ही डर रही होंगी जितना इस तरह के जो साइको लोग होते हैं मेरी उनसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी कोई हरकत ना किया करे हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं आई नो वेरी वेल हम लोग समझते हैं लेकिन इस तरह नहीं कि आप उनको टच करना चाहें लेकिन लोगों की पता नहीं क्या एक लड़कियों के लिए स्पेशल एक बड़ी शायद मुझे ऑन द स्क्रीन ये बात करनी चाहिए लड़कियों के लिए ऐसे ही है लड़कियों के लिए स्पेशल आप इस बात के साथ एग्री करेंगे शायद के लड़कियों को कोई भी शोबिज में नई लड़की जैसे ही आई है उसके चाहने वाले इतने हो जाते हैं कि लड़की को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना और ये ना इसमें होते हैं और अगर वो क्या कहते हैं ना आप कहती हैं क्यों क्या करूं क्या ना करूं और अगर कर लेती है तो फिर वो घर जाती है घर जाती है और अगर सर यही प्रॉब्लम है ना अगर आप बाज दफा आप कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं आपको लाइफ में इन्हीं फैनों की वजह से कि आप वापस ही ना चाहते हुए लेने पड़ जाते हैं ना चाहते हुए भी आपको पता है शोबिज के कैसे हालात हैं बिल्कुल तो फिर ऐसे फैसलों से आपको बहुत सारा नुकसान पहुंचता है बिल्कुल ऐसी मज़र भाई चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोजिंग की जाने में तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को अपने चाहने वालों को सुनने वालों को आपको मैसेज देना चाहिए मेरा सिर्फ छोटा सा मैसेज है वो यही है कि जो अखलाक है वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और चाहे छोटा या बड़ा मुंह से नहीं ड्रामा नहीं ड्रामा होता है मुंह से आप बोल रहे हो तो अंदर से वो भरा हुआ है वो चीज़ नहीं अखलाक से पेश आए और अखलाक से जीते हर किसी को वही बात जो अभी संगम कर रही है मैं कर रहा था अखलाक अखलाक से और चाहे इर्द गिर्द अपने आस पड़ोस में दोस्तों में यारों में और एक तो ये कि अखलाक से सबसे पेश आए दूसरी ये बात है कि अपने पाकिस्तान से बहुत बड़ा हमारा पाकिस्तान है ये है तो हम हैं हम हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान को बहुत सारी बुरी नजरें देख रही हैं लेकिन उनकी कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी ठीक है ना और हमारा पाकिस्तान का नाम दुनिया में है दुनिया में रहेगा और अभी यहाँ है और आसमानों को छू और अपने मुल्क से बहुत बड़ा जी संगम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है बच्चे लेजी होते हैं और माँ ऐसी होती है कि उसको पता होता है कि मेरे बच्चे ने खाना कब खाना है कब नहीं खाना कब माँ चली जाए तो उसके बाद आपके खाने का कोई पूछने वाला कोई नहीं होता ख्याल मैं बात बच्चे की बात कर रहे हैं मैं इतना बड़ा हो गया हूँ बच्चों वाला हूँ सब कुछ है माँ को उतना बीवी को नहीं ख्याल होता जितना माँ को वो नहीं खाना क्यों नहीं खाया बिल्कुल बिल्कुल चलो पहले खाना खा लो बिल्कुल व्यूअर्स आई एम श्योर कि हमेशा की तरह से आज भी आपने हमारे प्रोग्राम को ज़रूर पसंद किया होगा हमारा जो आज का टॉपिक था वो था बंद दरवाजे तो एंड पे एज अ मैसेज मैं यही कहना चाहूँगी कि जो घर के दरवाजे हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए छोटी छोटी गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं लेकिन कहा यह जाता है कि जो माफ़ करने वाला होता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट दरवाज़ा है वो अल्लाह ताला का दरवाज़ा है तो अपने अमाल से अपने अखलाक
से ये कोशिश कीजिए कि वो ऊपर वाला दरवाजा कभी भी जो है वो बंद ना हो, वो हमेशा आपके लिए खुला रहे, क्योंकि बेसिकली वो रहमत का दरवाजा है। और अगर वो दरवाजा बंद हो जाए तो फिर आप जितने मर्जी दरवाजे खटखटा लें, उनकी खटखटाने से, उनकी दस्तक से हमें कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर वंस अगेन मैं अपने दोनों मेहमानों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी ढेर सारी विशेज है मेरे बहुत ही लाडले भाई मदराही भाई के लिए और आपकी अपकमिंग मूवी शोर शराबा, के अल्लाह ताला आपकी इस मूवी को सुपर डुपर हिट करे और इसी तरह से कामयाबियां जो है वो आपके कदम चूमती रहे। इसी तरह से मैं अपने वालिद मोहतरम अशरफ राही साहब की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और सुहेल की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन है ना हमेशा की तरह से हम क्या कहते हैं जब हम अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं, हम करेंगे लेकिन एंडिंग हम करेंगे मजहर के खूबसूरत से सॉन्ग से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप मुझे यानी कि सायरा सिद्दीकी और हिना महमूद को दें इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप एंजॉय करें मजहर का ये खूबसूरत सा सॉन्ग और हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सानू सब नू नचा बिलो, बिलो ठुमका लगा सानू, सानू सब नू नचा बिलो, सानू जग दी ने परवाह बस नेड़े साडे आ सहा दे नाल सार लो, बिलो ठुमका नशा बिलो हाए हाए बहुते सानू ये है नशा पीने दा शौक तेरे बिच नशा बिलो हाए हाए बहुते सानू ये है नशा पीने दा शौक सानू जगदी ने परवाह बस नेड़े साडे आ सहा दे नाल सार ला बिलो ठुमका अंग्रेजी बीते
ਤੇ